हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश ग्रामर का पढ़ाएंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर फोर टाइप ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम स्टेटमेंट्स या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन जान लेते हैं और एग्जाम्पल जान लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ असर्टिव सेंटेंस। यानी ऐसे वाक्य को जिसमें कुछ कथन हो यानी स्टेटमेंट हो, उसे हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य में ना कुछ आदेश, ना कुछ अनुरोध, ना प्रश्न, ना ही मन के विकार को कहा जाता है। ये केवल मात्र कथन होता है यानी स्टेटमेंट होता है। ऐसे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब होता है। कभी कभी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बॉयज़ प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर बॉयज़ क्या हो गया? सब्जेक्ट। प्ले क्या हो गया? वर्ब। और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, वी रीड्स बुक्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वी, रीड क्या है? वर्ब है। और बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान क्या है? देखिए, जिसमें भी क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, लास्ट में कोई भी सेंटेंस के लास्ट में जब क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? लास्ट में फुल स्टॉप रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ना ही आदेश होता है, ना ही अनुरोध होता है, ना ही सलाह होता है, ना ही निषेध होता है और ना ही कोई मनोकामना होता है। ये जो होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है, क्योंकि उसमें भी फुल स्टॉप होता है। लेकिन जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें केवल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, और इसमें आपको समझ में आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। जैसे देखिए, यहाँ पर है एग्जांपल, देखिए, इज ही एंग्री। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाउ आर यू। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड में इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम कमांड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस, अ कमांड्स, etc. एटसेट्रा इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें आपको आदेश, अनुरोध, सलाह, निषेध, मनोकामना, इच्छा व्यक्त किया जाएगा, वो हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, मे यू बी हैप्पी, डोंट गो देयर। देखिए, लास्ट में फुल स्टॉप तो है, लेकिन इसमें क्या है? मे यू बी हैप्पी, ये मन का इच्छा को व्यक्त किया जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डोंट गो देयर, यहाँ पर निषेध किया जा रहा, इसलिए ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम कमांड्स भी कहते हैं। क्लियर। अब लास्ट देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम एक्सक्लेमेशन भी कह सकते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग बाय मीन्स ऑफ एन एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें आप इस चिन्ह को देख के ही समझ जाओगे कि ये एक्सक्लेमेटरी का है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, व्हाट अ लवली रोज, हाउ टॉल
द ट्री इज़, ये चिन्ह देख के आप समझ जाइएगा कि ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, एकदम आसान तरीका से हम समझा दिए हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल को लिखे हैं और इसमें आपको सिखाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, पहचानना यहाँ पर सिखाएंगे आपको। ठीक है, देखिए फर्स्ट एग्जांपल है कैन आई हेल्प यू और यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो इसका एकदम आसान ट्रिक है इसको पहचानने का कि जहाँ पर भी ये क्वेश्चन मार्क रहेगा वो हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है बच्चों, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आपको एकदम आसान ट्रिक दे दिए हैं कि जहाँ पर भी क्वेश्चन रहेगा वहाँ आपको क्या लिखना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मिस्टर कुणाल इज अ डॉक्टर और लास्ट में फुल स्टॉप है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि फुल स्टॉप है और ये जो सेंटेंस है इसमें ना ही कोई ऑर्डर दिया जा रहा, ठीक है, ना ही कोई अनुरोध किया जा रहा, ना ही कोई इच्छा व्यक्त किया जा रहा, यानी ये सिंपल सा सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। इसलिए जो सिंपल सा सेंटेंस रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, किसी का कथन रहेगा, उसमें आपको क्या लिखना है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, या तो फिर असर्टिव सेंटेंस को और क्या क्या बोलते हैं हम बता दिए थे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं या तो फिर इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख दीजिए असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर में देखिए, कम हेयर, लास्ट में फुल स्टॉप है लेकिन बोला जा रहा कम हेयर, इधर आओ, यानी आज्ञा किया जा रहा है। और जब भी आज्ञा सूचक वाक्य होगा या तो फिर अनुरोध किया जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कमांड्स। तो यहाँ आपको लिखना है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर एग्जांपल में हाउ टॉल यू आर, और इसमें एकदम पहचानने का आसान ट्रिक हम बता दे रहे, जब ये चिन्ह रहेगा, ये मार्क रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये चिन्ह देखकर आपको समझ लेना है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह है ये। ठीक है, और लास्ट जो क्वेश्चन है देखिए, रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन इज अ गुड बॉय, इसको आपको करना है, मेरा कमेंट बॉक्स में आपको इसको आंसर लिखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपकी दोस्त भी सीख सके। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।